अरे पीछे आ जाओ भैया, अरे सर पीछे आ जाइए। Oh, yeah.
बस उधर से आ जाओ ना। पीपल्स प्रोग्राम है सर गेट से ही बाहर थोड़ा साइड हो जाए, एक साइड हो जाए बीच में ना खड़े भैया थोड़ा पीछे हो रहे हैं, पीछे हो रहा है यार। क्यों हो रहा है यार? एक सेकंड।
गाड़ी आ रही है देश के लिए आज एक बड़ा दिन है सर, देश के लिए बड़ा दिन है सर आज। यार मेरे को पकड़ लो पानी। हैं? आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे मुल्क में मनाने की शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे मुल्क में लोगों में जज्बा पैदा होगा और विशेष रूप नई पीढ़ी के अंदर। किस प्रकार से आज के दिन महात्मा गांधी ने 1930 के अंदर जो दांडी यात्रा शुरू की थी, वो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ में बिल्कुल बजाया था, उसमें वो कामयाब हुए और 6 अप्रैल को समाप्त हुई दांडी समुद्र तट पर के, पूरा देश एकजुट हो गया था। अब जो अमृत महोत्सव मनाने की जो शुरुआत हुई है, राजस्थान के अंदर भी फ्रीडम फाइटर्स एक से बढ़कर एक थे, हर संभाग में हर जिले के अंदर, चाहे श्री राजस्थान जयनाय व्यास हो, मंगलर वर्मा हो, हीरालाल शास्त्री हो, बाल बंधु हो, रामनाथ चौधरी हो, अभिनहरी हो, कोड़ा के अंदर लाल बहादुर जी हो, भरतपुर के अंदर, कोई कमी नहीं रही है। सैकड़ों नाम होंगे जहाँ राजस्थान के लोगों ने उस जमाने के अंदर जब अंग्रेजों से लोहा लिया जा रहा था, संबंधित प्रथाएं थी, उस वक्त में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये मुल्क आजाद हुआ और 75 साल के अंदर जो 15 अगस्त 75 से शुरू होगा, पूरे देश के अंदर 75वां आजादी के जश्न है, उसके पहले तैयारी शुरू हो चुकी है आज से ही। मैं उम्मीद करता हूं कि नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिले, ये भी इसमें बहुत बड़ी थीम होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सके किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई अंग्रेजों की, फांसी के फंदे में चढ़े। इतिहास नई पीढ़ी सीखेगी तो इतिहास बनाने काबिल बनेगी देश के लिए। पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व, गांधी जी का तो पूरे विश्व के अंदर आज एक संदेश है अहिंसा का, पूरा विश्व 2 अक्टूबर को मनाता है, अहिंसा दिवस मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, परंतु पंडित नेहरू जैसे लोग भी 10-10 साल तक जेलों में बंद रहे, 10-10 साल तक टुकड़ों में बंद रहे थे जेलों के अंदर।
कितने लोगों ने त्याग किए बलिदान किए, सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, एक नया पूरा इतिहास बन गया है और इतिहास गर्व करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क का इतिहास आजादी का भी, और आजादी के बाद में पिछले 10 साल की उपलब्धि जो है, जब सुई नहीं बनती थी, शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली सड़कें कुछ नहीं था देश के अंदर, सुई बाहर से आती थी, आज यहाँ सब कुछ है, विज्ञान में तकनीकी के अंदर पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें सब कुछ देख रहे हैं, आधुनिक भारत दिख रहा है, वो पिछले 10 साल के देन है। ये गर्व करने वाली बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा लेगी और ये आयोजन बहुत कामयाब होंगे। आज जो शुरुआत हुई है उसके लिए जयपुर नागरिक समिति को सरकार के साथ मिलकर के जो अभियान शुरू किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और आपको प्रोग्राम देते रहेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। कृषि कानून जो क्या सरकार लाई है वापस नहीं ले रही है, तीनों कृषि कानूनों को, ये दुर्भाग्य देश का कि जिन किसानों ने आजादी जंग में हिस्सा लिया हो, अन्नदाता हो, सबको लोग उनके लिए कहते हैं और हम लोग जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ सरकारों को कब जिद नहीं करना चाहिए, सरकारों को हमेशा नतमस्तक होना चाहिए जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने, मतदाताओं के सामने, जिनके हम पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, उनके कोई गलतफहमी हो गई है मान लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है, एक बार आप वापस ले लीजिए कानून को और 4-6 महीने में आप बुला के बात कर लीजिए किसानों से भी, राज्य सरकारों से भी, विपक्षी पार्टियों से भी, नया कानून लेके आ रही है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फैसले करने की बात है जो मोदी जी को करना है, सरकार को करना है। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी आज के दिन जो गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज के दिन एनडीए सरकार को, उनके नेताओं को एक सोचने का अवसर दिया गांधी जी ने। आज के दिन आप सोचें 4 महीने के लगभग होने आए हैं किसानों को, कि अब भी वो इतनी हठधर्मिता दिखाएंगे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है देश के अंदर, पूरा मुल्क देख रहा है, इतना आक्रोश है लोगों के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनको भी महसूस नहीं हो रहा है, उनको महसूस नहीं हो रहा है, पर पूरे देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसानों में सही है, आम लोगों के अंदर भी है कि सरकार ने क्यों इतना हट कर रखा है। सरकारें कभी भी जिद नहीं करती है, हट नहीं करती है, पब्लिक कर सकती है, हमारा काम उनको संदेश करना, मनाना, उनको कन्विंस करना या कन्विंस होना। मैं समझता हूँ कि इस खेल के इस पूरे जो बड़ा मुद्दा है उसके अंदर 4 महीने से ठंड में बैठे रहे लोग, क्या बीती होगी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, क्या बीती होगी उनके परिवारों पर, मुझे बहुत दुख है। मुझे उम्मीद है कि आज के दिन दाढ़ी मार्च के उपलक्ष्य में जब नरेंद्र मोदी जी खुद भी साबरमती आश्रम से इसको रवाना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक उनको अंतर मन के अंदर गांधी जी का संदेश उनको जगजोरेगा, हो सकता है शाम तक कोई फैसला करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, देशवासियों को खुशी होगी। सिद्धांतों की बात करते हैं लेकिन देश में मौजूदा समय में लगता है कि उनके सिद्धांतों को जिंदा आगे रखा जाएगा, इसीलिए हम इस प्रोग्राम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि जो हालात देश में बन चुके हैं, डेमोक्रेसी को ढूंढना पड़ रहा है, खतरे हैं डेमोक्रेसी के सामने, सारी एजेंसियां काबू में आ गई है सरकार के, जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे CBI हो, इनकम टैक्स हो या ED हो, जो शिकंजा कसा हुआ है एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, NGO को आप देशद्रोही करार दे रहे हो, सरकार से असहमत है कोई, वो देशद्रोही है। आलोचना करते सरकार की, वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया के मुल्कों में इतनी भयंकर बदनामी हो रही है देश को, आप मीडिया वाले अगर इंटरनेट पे देखते होंगे अमेरिका क्या कह रहा है, दुनिया के यूरोपियन मुल्क क्या कह रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके खूब प्रचार कर लिए, अब स्थिति उल्टी हो गई है। और मैं समझता हूँ विदेश मंत्रालय
और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जी को दुनिया के मुल्कों में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, क्या कहा जा रहा है डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बारे में विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री मैं उम्मीद करता हूं कि सही सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी को, जिससे कि उनको वापस सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि मुझे वास्तव में क्या स्टेप बढ़ाना है किसानों हित के अंदर। कोरोना को लेकर लापरवाही काम की नहीं है। आज महाराष्ट्र में अगर नागपुर में लग गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के 5-6 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन में 70,000 नए पेशेंट आ चुके हैं, संख्या रास्ता नहीं बढ़ी है, 100 से 200-250 तक आ गई है। मैं चाहूंगा कि लोगों को चाहिए कृपा करके, जब जंग जीती हमने, कोरोना की जंग जीती राजस्थान ने, तो कहीं हम जंग जीती हुई हार नहीं जाए, इस लिहाज से सबको प्रिकॉशन रखना चाहिए। सरकार ने छूट दी है लोगों पर विश्वास करके, अगर उसके बावजूद लापरवाही हुई तो सख्ती के कदम भी उठाए जा सकते हैं। सर आपने कहा था वैक्सीनेशन में राजस्थान नंबर वन बनेगा, पूरी अपनी तैयारी हुई थी। अभी कल तक जो है, कल तक के आंकड़े में 25% से पार हम पा चुके हैं, 25 लाख वैक्सीन हो चुका है, देश में सबसे प्रथम हम लोग हैं। फिर भी वैक्सीन हमें मिल नहीं रही थी, मुझे वहाँ नीति आयोग में बात करना पड़ा, मिस्टर पॉल से हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात करी, वहाँ के अधिकारियों से हेल्थ मंत्रालय में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बात करी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से, और अब जाके परसों इतना करने के बाद में वैक्सीन आने लगी है। पर फिर भी हमारे विपक्षी साथी, जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि हमें विपक्षी साथियों का, पार्टियों का, धर्म गुरुओं का, सामाजिक संगठनों का, सबका सहयोग मिला, हम तो एक तरफा सबको लेके साथ लेके चलना चाहते हैं, और फिर भी कुछ लोग आलोचना करने से बाहर नहीं आते हैं। कोरोना में कोई आलोचना होनी नहीं चाहिए। अगर हमने मांग कही थी वैक्सीन की उनसे, इसलिए कही थी कि हमारा मंगलवार के बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद होने वाला था, सीएससी पीएससी बंद हो चुका था, फर्स्ट डोज लगाना, तो मैंने सही बात कही सही समय पर। फिर भी हमारे कुछ बड़े बोले नेता ऐसे राजस्थान के अंदर विपक्ष में, उनको कौन कोई कमेंट करने होता है, जनता सब समझती है। सर, हो गया भाई।
जल्दी चल चल रहे चल रहे सब चल रहे चलो आगे चल आगे राकेश थोड़ा जल्दी आ जल्दी चले चलो सर राकेश थोड़ा आगे राकेश आगो होने यहाँ राकेश राकेश आगो हो जाए मैं कर लूँगा आप तो बोलो है ना वो करते बोलो हेलो हाँ बोल यार मैं कह रहा था उसको बोलना पवन को मैं तुमके आगे आगे चल रहा हूँ ये मैं हूँ सामने हाँ आगे
भैया भैया वो आगे चल भाई, तू गिरा मेरे को, मेरे को याद है। चलो भैया चलो 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 नहीं, मेरे को चक्कर नहीं आ रहा।
पार्टी सही है सर, थोड़ा आगे सर देते हैं प्रोग्राम। चलो चलो भैया, अब मेरे चुनाव आयोग का इच्छा है यार। आके कैसे चढ़ने देंगे यार डांडे यार। तो भाई तुम मैं तो आगे चल जाऊँ ना, आपको बता मैं क्या करूँ। जुर्दी नहीं रहती है सब मेरे वाले।
जी तुम बहुत आगे हैं। हाँ भैया गीत भी संगीत भी थोड़ा बंद हो जाए। ये
संगीत जो सुन रहे हैं भाई, थोड़ी देर के लिए संगीत बंद कर दें। कहां से चलता है? संगीत बंद कर दें मेहरबानी करके, जो भी माइक का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, मंच पर विराजे सभी महानुभाव, आज ये ऐतिहासिक दिन पर हम सब लोग मिल रहे हैं। 91 वर्ष पहले दुनिया के महानतम व्यक्तित्व, केवल भारत के नहीं, भारत में जन्म लिया, ये हमारा गौरव है, लेकिन दुनिया के महानतम व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी ने जो संदेश दिया पूरी दुनिया को कि लोगों को दबाकर नहीं रखा जा सकता, लोगों को अपनी बातों से, अपने उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। और एक छोटे से नमक की बात को लेकर आज 12 मार्च 1930 को साबरमती से आश्रमवासियों के साथ दांडी तक वो निकले, उस समय की सत्ता सल्तनत उसको चुनौती देने के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि खाली नमक से क्या आजादी मिलेगी, उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन राष्ट्रपिता जो लफ्ज को समझते थे उनको विश्वास था कि आम आदमी के हक जो है उस नमक पर भी टैक्स लगा दे कोई सरकार, तो ये हम सब पूरे देशवासियों के लिए शर्म की बात है। और वो नमक की बात को लेकर कि हम नमक खुद बनाएंगे, कौन रोकता है, और निकले 12 मार्च 1930 को निकले तो पूरा देश खड़ा हो गया। जो मैं निवेदन कर रहा था कि केवल बहुत सारे नेताओं को नहीं, बल्कि उस समय आंदोलन के अग्रणी जवाहरलाल जी, नेहरू साहब के पिताजी मोतीलाल जी नेहरू, उनको भी ये लगा कि नमक की बात गांधी जी ने क्या उठाई है। उन्होंने पत्र भेजा। मैं ये किस्सा समाप्त करके दूसरी बात पर आता हूं, बच्चों का कार्यक्रम करवाना है। मोतीलाल जी नेहरू ने पत्र भेजा गांधी जी के पास कि ये गांधी जी ये छोटी सी बात क्या लेकर निकल रहे हैं। गांधी जी ने जवाब लिखा मोतीलाल जी नेहरू साहब को कि आप करके देखें, केवल एक लाइन का जवाब भेजा कि आप करके देखें। मोतीलाल नेहरू जी ने आज प्रयागराज उसके नाम हो गया इलाहाबाद, आनंद भवन पर ही एक पर्चे में नमक डालकर और बनाना शुरू किया पाली धोलकर, जनता इकट्ठी होने लगी, थोड़ी देर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से मोतीलाल जी नेहरू ने पत्र लिखा गांधी जी को, जो कि गांधी जी भी फिर जेल में ही थे, कि करके देख लिया तो आप देखिए उस नमक में इतना दम था, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र की स्थिति बची है। मैं अब सबसे पहले बच्चों के द्वारा प्रस्तुत होने वाला नाटक के बारे में निवेदन कर रहा हूं, बच्चे यहां मंच पर पधारे और अपना नाटक प्रस्तुत करें। बच्चे आ जाए, अच्छा वहां है, ठीक है, आप नाटक शुरू करें। 12 मार्च 1930 जब गांधी जी ने अंग्रेजों और उनके बनाए सॉल्ट लॉ के खिलाफ असहयोग जताते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की, तब एक रात अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद उनके सहयोगियों ने कुछ इस प्रकार इस लड़ाई को जारी रखा। कि हम उनसे लड़े या हार मान ले, परंतु
हाथों में हाथ लिए हिंदू मुस्लिम सभी साथ चले, सरदर्द से ऊंचा, बिना अपनी जिंदगी की परवाह किए, अपने देश के लिए, अपने हक के लिए, अहिंसा को अपना हथियार बनाए वो लड़े, और आखिरकार अंग्रेजों ने हमारे हौसले के आगे घुटने टेक दिए। ने बहुत ही अच्छा संदेश छोड़ा बहुत कम समय में। हम ग्रहण करें, मुख्य रूप से आत्मसात करें तो आज बहुत बड़ा काम हो सकता है बच्चों को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जल्दी पढ़ाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा यहां मंत्रीगण कल्ला साहब बिराजे हुए हैं, सुभाष जी साहब बिराजे हुए हैं, प्रताप सिंह जी खाचरेवास और दयान जी भी है, प्रताप सिंह जी बिराजे, ममता भूपेश जी भी बिराजी हुई है और भंवर सिंह जी भाटी साहब भी बिराजे हुए हैं। तेरी कल्ला साहब का सबसे पहले नाम लिया कटारिया साहब बिराजे, सॉरी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, कटारिया साहब कन्हैयालाल जी साहब, और थोड़ा ये मास से भी पहचानने में भूल हो जाए तो माफ करना। लेकिन आज ये बहुत संक्षिप्त भले ही समय में रखा गया लेकिन एक बड़ा संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। जो हालात देश के बने हैं, फिर से एक नई आजादी की लड़ाई के बारे में सोचे आप लोग, क्योंकि आज कोई बोलता है कुछ असहमति का स्वर होता है वो देशद्रोही हो जाता है। तो मैं अब निवेदन करूंगा, दो प्रोफेसर साहिबान है, केवल दो महिला प्रोफेसर को ही पांच पांच मिनट का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर लाड कुमारी जी जैन, प्रोफेसर लाड कुमारी जी जैन जो पहले महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं, कहा आ रही हैं सामने से, और आपके बाद विद्याजी जैन साहब, प्रोफेसर विद्याजी जैन साहब, गांधी और सारी टीम को अभिवादन नमन, और इससे ज्यादा ऊर्जावान पावरफुल हाउस मेरे सामने है, उन सबको भी मेरा नमन और वंदन करती हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में मैं एक प्रोफेसर के रूप में अपनी बात कही। जो हालात उस समय अंग्रेजों ने किए थे, किस तरह से 1906 में एम्पायर नाटकशाला में हमारे जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब इस सरकार का विरोध करेंगे। फिर 1907 के अंदर एक इमिग्रेंट रेस्ट्रिक्शन कानून पास किया, लगातार जिस तरह के कानून जनता के विरोध में उस समय पास होते रहे थे, गांधी जी ने बहुत सहयोग किया, सत्याग्रह आंदोलन चला, अहिंसात्मक आंदोलन चला, शांतिपूर्ण तरीके से चला। लेकिन जब अंत में उन्होंने निर्णय ले लिया और 11 तारीख की रात को जब साबरमती में रात को सो रहे थे और कितने लोग वहां पर थे, 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू करी साबरमती आश्रम से, जैसे कि आज वो सीन लग रहा था
कि हम उस आश्रम से यहाँ पर आ रहे हैं, उसी तरह के एचआर से चल करके हमारे सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। कितना 24 दिन में 241 मील की वो दांडी यात्रा पूरी की थी। और मैं जो इंसान क्योंकि गांधी जी के बढ़ते प्रभाव को और सारी जनता को कुचलने का जो काम धारासाना जो 5 मई को गांधी जी को करारी में गिरफ्तार कर लिया था ताकि आंदोलन ढीला पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद साबरमती आश्रम के वयोवृद्ध इमाम साहब जिनके नेतृत्व में वो आंदोलन फैला, मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि आज भी सरकार डिवाइड एंड रूल फूट डालो और शासन करो जनता को भूल डालो, आज भी वही हालात की बुरा आज की उस सरकार का करेक्टर, आज की सरकार का करेक्टर हमारे सामने। अफसोस इस बात का है कि आज जनता से चुने हुए सरकार में बैठे नुमाइंदे उन्हीं जनता के साथ जिस तरह उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिस तरह से उन्होंने घोड़ा तोड़ा है, जिस तरह से घोड़े से भूत डाला, आज भी वही चल रहा है। आज हमारे द्वारा चुने गए धरासना का उदाहरण एक अमेरिकन संवाददाता ने जो लिखा कि अमेरिकन संवाददाता वेरी मिरल 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 ने कि मैं 18 वर्षों से संवाददाता का काम कर रहा हूँ, 22 देशों में मैं गया हूँ, लेकिन जो धरासना में जो नर्सेस कांड हुआ है ऐसा दिल दहलाने वाला दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। आज जो सरकार के करेक्टर है आप उस समय जो हुआ वो तो हम देख नहीं पाए लेकिन हमने वो चल के देख रहे पढ़ रहे हैं, इतिहास है। आज इतने भव्य अत्याचारी इतिहास की पुनरावृत्ति हमारे देश में क्यों हो रही है? क्या ये लोकतंत्र है? ऐसा मति उस समय भी ऐसा मति थी नहीं करते थे लोग, आज ऐसा मति का मतलब है देश विरोही देश विद्रोही हो। ये क्या सरकार देशभक्ति है जो अपनी ही जनता को भूलने का काम करती है, उन्हीं के ऊपर घोड़ा चलवाने का काम करेंगे, उन्हीं को पर आज किसान आंदोलन और साल भर पहले महिलाओं ने देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में भी महिलाओं की जो भूमिका थी, और साल भर पहले कई सारे कानून नागरिकता पंजीकरण अधिनियम कई सारे जो कानून जो जनता के विरोध में थे जिस जनता से वोट लेकर के सत्ता में आए उसी जनता के खिलाफ साल भर पहले भी वो कानून पारित थे। और शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के नाम पर महिलाओं ने जो काम किया धरने दिए ना झूठी बच्चे भी संभाले जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने घर गृहस्थी बच्चे संभाले, आज भी सारे आंदोलन में वो महिलाएं घर गृहस्थी बच्चों के बावजूद फ्रंट में। अभी 8 मार्च को आपने देखा 8 मार्च को कितनी तादाद में सारे हिंदुस्तान से महिलाएं वहां पर पहुंची और जिस तरह का रह गया। तो मैं आप सब हम लोग गांधी जी को तो प्रणाम नमन करते हैं लेकिन क्या उनमें से कुछ तरीके हमारे विचार हमारा आचरण हमारे आंदोलन को हम क्योंकि एक दिन आएगा इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी। जो अंग्रेजों जब अंग्रेजों को झुका दिया तो आज ये क्या कह रहे हमारे द्वारा चुने हुए लोग हमारे साथ जिस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम इस तरह के कार्यक्रम हर गांव तहसील कस्बे जिले में होने चाहिए ताकि हमारी आगे जो जनरेशन आए उनका भी उनको देखे कि चुपचाप सहने से तो अन्याय खुद ही करें। इसलिए अब न चुप रहेंगे न सहेंगे अन्याय का विरोध करेंगे, जितने लोगों को जेल में डाला डाल दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं वो जो गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्या गांधी जी का एबीसी कुछ भूल भी है? विचार करिए है कर, और होता तो यह हल नहीं होता जो आज किसान आंदोलन कितना शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा शालीनता के साथ कैसे चल रहा है लेकिन उनके ऊपर किस तरह की भक्तियां किस तरह की टिप्पणियां करके और उनको जो आत्मघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करती हूँ क्योंकि हमें बहुत सावधानी के साथ लोग घरों से निकलते नहीं, मैं तो वहां नहीं गई लेकिन जयपुर के हर आंदोलन में हम जाते हैं और देखते हैं चंद लोग आते हैं, आज बहुत अच्छी संख्या में है और यह संख्या और 4 गुनी 10 गुनी बढ़े और हमारे आंदोलन गलत चीजों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ तानाशाही के खिलाफ हमारे आंदोलन और सशक्त हो मजबूत हो। इसी के साथ जय हिंद। आदरणीय प्रोफेसर लाल कुमारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान आंदोलन का उल्लेख भी किया, ये सही है 274
शहादत हो चुकी है किसानों की, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इतनी है कि अभी तक सरकार ने उनकी बात को कहीं भी ये नहीं लिया कि हम चलो निर्णय करते हैं, इस बात पर भी नहीं आ पाए। तो ये सोचते हैं कि किसानों को दबा लेंगे, इस पूरा देश का किसान अपनी किसानी के लिए नहीं, वो आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, नई आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ 23 मार्च को भगत सिंह के शहादत के दिन 23 मार्च को विद्याधर नगर में भी महापंचायत होगी किसानों की। आप जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर और पहुंचे, ये मेरा निवेदन है। आदरणीय प्रोफेसर विद्या जी जैन साहब से निवेदन है, वो अपनी बात है। नमस्कार। राजस्थान के जनप्रिय एवं गांधीवादी मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी एक अभिव्यक्ति दी। मित्रों, एक बात बिल्कुल सच है कि गांधी जितने आज प्रासंगिक है कभी नहीं थे, और पूरी दुनिया में लोग बहुत गंभीरता से गांधी के विकल्पों पर गंभीरता से विमर्श कर रहे हैं। हम कितने गंभीर हैं या नहीं, राजस्थान सरकार तो खैर बहुत गंभीर है, और गहलोत साहब का तो पर्सनल बहुत इंटरेस्ट है गांधी दर्शन में, पर पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी वजह यह है कि दलितों पे, वंचितों पे, महिलाओं पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, श्रमिकों पे, पर्यावरण के प्रश्नों ने, पानी के आंदोलनों ने, जल जंगल जमीन के प्रश्नों ने, इन सब चीजों ने गांधी को पूरी दुनिया में प्रासंगिक बना दिया है। गांधी ने मैं बहुत सारे उनके दर्शन है जो बहुत प्रिय है दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को। मैं बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ी हूँ, लोग शाकाहार पे, नॉन किलिंग पर, अहिंसा, शांति, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सब पर काम कर रहे हैं। जो सबसे अचूक एक हथियार गांधी ने हम सबके हाथ में दिया, संघर्ष करने वालों के हाथ में दिया, विरोध करने की सबसे पहली बात गांधी ने कही, अन्याय नहीं सहना है, विरोध में उठना है और संगठित होना है, आंदोलन खड़ा करना है, यात्राओं के द्वारा जनता से जुड़कर और जन पीपुल्स मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन का जो सबसे अचूक एक हथियार दिया वो है सत्याग्रह का आंदोलन। पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, अमेरिका में, तो अभी राष्ट्रपति के जब चुनाव थे उन सब में बहुत सारे आंदोलन गांधी की सत्याग्रह की टेक्निक पर लड़े गए। ये 25 दिन की दांडी मार्च क्या था, ये सिंबल था, और गांधी सिंबल्स में बहुत विश्वास करते थे। चुटकी भर नमक के सहारे इतना बड़ा जनसंघर्ष खड़ा कर दिया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को घुटने टेकने पड़े। जब गांधी का पदार्पण राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ, वही टर्निंग पॉइंट था जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समझना पड़ा कि अब यहाँ से जाना होगा। उनके आह्वान पे महिलाएं जो पते में रहती थी, जो दूध पिलाते और बच्चों को साथ में गोदी में लेकर रंग बिरंगी ओढ़नियां ओढ़े जब सड़कों पे उतरी और वो मोबिलाइजेशन जब शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि गांधी का सत्याग्रह का तकनीक जब तक रेलेवेंट रहेगा, जब तक की जनता हर तरह का विरोध, हर तरह का संघर्ष, हर तरह का अपराध, हर तरह के शोषण के खिलाफ मोबिलाइज होती रहेगी। इतनी लंबी यात्रा करके गांधी ने जिस तरह जनताओं के दिल में प्रवेश किया, ये गांधी की ब्यूटी थी। और आज ये बात बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया में गांधी के विकल्पों पर अलग अलग स्तरों पे काम हो रहा है, एकेडमिक डिस्कोर्स के स्तर पे काम हो रहा है, तीसरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के, क्योंकि पूंजीवादी और साम्यवादी मॉडल तो फेल हो गए, ये तीसरा विकल्प है जो प्रो पीपल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जिसको धरती माँ की चिंता है, जिसको गरीब और वंचित की चिंता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का विचार, जीएस भास्कर साहब का ये विचार बहुत दूर तक जाएगा, जब हम ये कहना चाहते हैं कि इस 21वीं शताब्दी के इस दशक में हम जब खड़े हैं तो हम जनता की शक्ति को पहचानते हैं, और गांधी वो एक मशाल है, वो एक रोशनी है, वो एक रास्ता दिखाने वाली किरण है। बहुत सी बातें हो सकती है, पर मैं समय को ध्यान रखते हुए अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ, और मैं पक्का मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की शताब्दी है, युवाओं की शताब्दी है, महिलाओं की शताब्दी है, हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है अगर हम इस तरह के महात्माओं से, इस तरह के महापुरुषों से निरंतर रूप से प्रेरित होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, ये आंदोलन की शुरुआत है, ये शुरुआत और तेज
आगे से आंदोलन को करेगी। यहां हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी विराजे हुए हैं, गहलोत साहब। जब 75 वर्ष हुए थे दांडी कूच को, उस समय भी जो यात्रा निकली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, उसके कन्वीनर थे आप, कन्वीनर ही थे, संयोजक थे। तो आज यहां विराजे हुए हैं, तो इस आंदोलन को और आगे दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि गांधी सही कहा आपने कि गांधी पूरी व्यवस्था के विकल्प हैं। तो ये विकल्प आज इस तरह से जो तैयार हो रहा है आंदोलन के रूप में, ये आगे सही माने की आजादी को लाएगा, और ये लंबा नहीं चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आभार के साथ ही अब 15 अगस्त से आप सब लोग और कमर कस लीजिए, 15 अगस्त आजादी का दिन है, उस दिन से और तेज गति आएगी, आजादी के भी 75वें साल हो जाएगी, तो उस समय से और गति तेज होगी। हम सब लोग आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये गांधी चौकी है, ये जेल, रेल और सड़क सबके लिए तैयार रहे हैं। जेल के लिए तैयारी रखे आप सब लोग। हो सकता है यहाँ माननीय मंत्री महोदय भी विराज रहे हैं, तो उनका भी नंबर दिल्ली के लिस्ट में होगा, दिल्ली की लिस्ट में यहाँ सभी का हो सकता है। तो मैं आदरणीय जीएस बाफना साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आभार धन्यवाद व्यक्त करें। जीएस बाफना साहब हमारे जो शांति अहिंसा प्रकोष्ठ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बाफना साहब। इन सारी एक्टिविटीज में हम सब लोग मजबूती से लड़ते हैं बाफना साहब, जीएस बाफना साहब, और पहले पूर्व महाधिवक्ता भी रहे हैं। सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, जननायक अशोक गहलोत साहब, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी क्रॉस सेक्शन से जो लोग यहाँ पधारे हैं, उन सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आभार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें महात्मा गांधी ने किस तरह से जो नमक कानून था उसको उन्होंने ब्रेक किया, और एक चुटकी भर नमक, जैसा कि अपने पहले पूर्व वक्ता ने बताया, उससे सारे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी, और देश में एक जो 78 आदमी स्टार्ट हुए थे साबरमती आश्रम से, वो दांडी तक पहुँचते पहुँचते लाखों में परिवर्तित हो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जनता विचार कर ले और निश्चय कर ले तो बड़े से बड़ी ताकत को भी उखाड़ फेंका जा सकता है। देश के आज की परिस्थिति से हम सब लोग वाकिफ हैं, किस तरह से सारे लोकतंत्र को, सारे सिस्टम्स को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो सब हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। और यहाँ पर सब ज़्यादातर बुद्धिजीवी और वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और सभी सेक्शन के लोग विराजमान हैं। तो हम सब लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा कि किस तरह से हम इस लड़ाई को मजबूती से और आगे कर सकें, वरना देश जिस तरह से तानाशाही की ओर चल रहा है वो आने वाले वक्त में पता नहीं जो हिंदुस्तान जिसमें एक चिड़िया था और है उसका पता नहीं क्या अशुरू होगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, और आदरणीय गहलोत साहब और सभी मंत्रीगण, विधायकगण और विशिष्ट अतिथिगण जो सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और सरकार का जो पूरा समर्थन हम लोगों को मिला, जिस तरह से इसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक्चुअली सरकार भी हमारी होती है, तो इसलिए अगर कार्यक्रम भी हम जो आयोजन कर रहे थे वो सरकार का ही कार्यक्रम था, और सरकार ने जिस तरह से सब लोगों का सहयोग दिया, सारे प्रशासन ने, इसका मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप लोगों की जो शिरकत रही। और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अब अमृत महोत्सव भी स्टार्ट हो गया है, तो कुछ न कुछ कार्यक्रम
साल भर तक चलते रहेंगे, इसी में लगातार देखते हैं। तो आप सबको पता रही थे, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। अब कुछ बोलना चाहिए, मैं बीच में ही थोड़ा इंटरप्ट कर रहा था। सीएम साहब दो मिनट थोड़ा सा रखेंगे। ग्राम तो शांत हो गया है। एक बात मैंने कहा, मैं टाइम पे आए, 8 बजते ही पहुंच जाना। गांधी जी की तरह घड़ी देखता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो शुरुआत है, ये जो प्रोग्राम बना है, आज 75 सप्ताह बाकी है। 15 अगस्त 2022 से शुरू होगा और पूरे साल चलेंगे। प्रोग्राम बहुत बड़े हैं। तकलीफ ये होगी कि किस प्रकार की सरकार का व्यवहार, मेरे पूर्व वक्तों ने बताया आपको, डेमोक्रेसी के सामने बहुत बड़ा खंड चिन्ह है। और कोई संस्थाएं जो है, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इनकम टैक्स, CBI, ED, सतर्क हो गया। 22 आगे बच्ची को पकड़ने ले गया घर में। जो पत्रकार, एक्टिविस्ट, साहित्यकार, NGO वाले कोई असहमति व्यक्त करते सरकार से, वो देशद्रोही है और उसको अरेस्ट करते, कई लोग जेल में बैठे रहते हैं। जब से सरकार आई है, ये उम्मीद की जाती है कि सरकार बनने के पहले जो विचारधारा है उस पार्टी विचारधारा रहेगी। और ये कभी भी किसी ने कल्पना की थी कि सरकार बनने के बाद में सपत्ता मिले तो संविधान की। हमारे राज्यपाल महोदय आजकल संविधान की मूल भावना को सबको पढ़वाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। उनमें जो कर्तव्य है उसके ऊपर भी बात करते हैं, अच्छा लगता है कि कम से कम नई पीढ़ी को मालूम पड़ेगी हमारी, हमारे कर्तव्य क्या है। मूल भावना संविधान की लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता है। परंतु देश में हालात इससे उल्टे हैं, ये चिंता कैसे होना चाहिए हमारे लिए और विशेष नई पीढ़ी के लिए। देश का भविष्य उनके कंधों पर आएगा। और ये कोई राजनीतिक बात में नहीं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। दुनिया भर में जब मोदी जी गए थे पहले प्रधानमंत्री बनते ही, तो अमेरिका में भी और इंग्लैंड में सब जगह अच्छे स्वागत हुए। तब भी मैंने कहा मोदी जी अच्छी बात, ये आपके माध्यम से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। परंतु आज़ादी का जन्म, लोकतंत्र की स्थापना, वोटों का राज और उसको कायम रखा, देश को एक रखा, अखंड रखा और 70 साल की उपलब्धि जो है देश के सामने, उसके कारण से हिंदुस्तान आज साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एटॉमिक एनर्जी में, सब जगह आप आज शीर्षोड़ मतलब दुनिया में। इसलिए प्रधानमंत्री कोई जाएगा तो उसको मान सम्मान होना स्वाभाविक है और वो सम्मान उसको। कभी भी उन्होंने फिर भी नाम नहीं लिया उन लोगों के जिनके कारण आज इंडिया में पहुंचा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी के सानिध्य में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आज अंबिका साहब ने संविधान का निर्माण किया। अगर आप हकीकत बताएं सबका, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, तो सबका नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। परंतु जो राजनीति चल रही है वो बहुत खतरनाक चल रही है। इसलिए क्योंकि लंबे प्रोग्राम चलेंगे और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जब भी आप कोई समाचार पत्र पढ़ लें तो ये कोई घर में निमंत्रण देने और पीढ़ी जाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिन्हें चाहे तो गांधी जी की विचारधारा, उनका सोच, उनके सिद्धांत, उनकी नीतियाँ, वो हमारे लिए परमानेंट होती है। जब गांधी का नाम सुनो पहुंच जाओ बिना बुलावे के भी, वहाँ आपका सम्मान, मान सम्मान वही होगा
सुबह के मुख्य अतिथि का होगा। मुख्य अतिथि बनाने पड़ते हैं, एक प्रकार से जो हमारी परंपरा बनी उसके कारण से हम सब मुख्य अतिथि। अंत में कहना चाहूंगा, जब पिछहत्तरवीं जयंती हुई थी तब मुझे जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे वो चेयरमैन बनाए गए सोनिया जी द्वारा, मुझे और मुकुल वासनिक को बनाया करने का। हम लोगों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक समुद्र के तट तक गए थे। हम लोग तो अभी मैनेजमेंट करते थे, राजस्थान से भी बापना जी और कल्ला जी सब आए थे, हर राज्य के सारे कार्यकर्ता आए। बहुत शानदार प्रोग्राम था। और अब जो प्रोग्राम आज शुरू किया सभामती जी प्रधानमंत्री जी ने, मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कम जो है आज का दिन जब आपने चुना है सभामती से गांधी मार्च का नाम बने दूसरा दे दिया गया होगा, कृपा करके अभी तक आपके जो 6 साल का शासन है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ, देश भूल जाएगा। पर आज किसान बैठा हुआ है 4 महीने परीक्षण में बैठा रहा, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, तो ये जो सोच है सरकार की उसको बदलना चाहिए। सरकारें कभी जिद नहीं करती, सरकार को जिद करना भी नहीं चाहिए, उनको बात सुननी चाहिए, हल निकालना चाहिए। लव जिहाद आप बताइए कानून मंदिर उसके लिए युक्ति कर गया यूपी और एमपी कर कानून मंदिर। ये जो हालात कर रखे हैं देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अभी तो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जब हिंदू मुसलमान का इनका एजेंडा खत्म हो जाएगा हिंदू में फिर होगा ये दलित है, ये जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी के हैं, उनमें लड़ाई करवाएंगे। इनको पूछा अगर आपने ईमानदारी है तो पहला काम आप गांधी जी के इस जो ये मना रहे हम लोग आजादी के जश्न मना रहे हैं और 150 वर्ष मनाए जा रहे हैं गांधी जी के, देश तो मना चुका है, हम लोगों ने बार बार उसको एक्सटेंड किया, राजस्थान में अभी तक चल रहा और 2 अक्टूबर से चलेगा क्योंकि कोरोना आ गया तो मैंने एक साथ और एक्शन कर दिया। और मैं कहना चाहूँगा कम से कम मोदी जी को चाहिए आरएसएस के मोहन भागवत जी से बात कर लें, घर में सलाह मशवरा कर लें। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, सही रास्ते पर आ जाए, और जनता सही रास्ते पर लेके आएगी ये मैं। और अमेरिका में कल स्वीडन के अंदर जो वॉशिंगटन पोस्ट पे संपादक किया है उसको मैंने असेंबली पढ़ के सुनाया था हमारी यूनिवर्सिटी में, आपने जो मेरा इसमें देखते होंगे टीवी के अंदर या अपने फोन पे टेलीफोन मोबाइल पे सुना होगा मैंने क्या कहा। ये जो हालात बने हैं इसमें बहुत खतरनाक मामला है और बहुत चिंताजनक स्थिति है। अगर सद्बुद्धि आ जाए सरकार के अंदर देश इतना होगा, सरकार तो सरकार है, मेरे बार आपको जनता ने चुन दिया है, अब आप वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाओ, अभी तक तो खाली कहा है, अब करके दिखाओ। ये 6-7 साल तो हम जल्दी जल्दी में फैसले कर लिए, अब जो है हम चाहेंगे कि सभी जाति सभी धर्म सभी वर्गों को लेकर साथ चलें। और अंत में कहना चाहूँगा कि अगर ये हिंदुओं में जो भेदभाव है मानवता में कलंक है कि आज भी छुआछूत गांव गांव आज भी अलग बैठा जाता है चरणवास के दलितों को, उनकी जिंदगी में उनके परिवार में क्या बीतती होगी, ये नरेंद्र मोदी जी को मोहन भागवत जी को तमाम संघ परिवार जितने संगठन है 100-150 तो बन चुके हैं, उनके संगठन बहुत बड़ा फैला हो चुका है मालूम है, उन सबको बताओ कि ये मानवता कलंक जो है अगर वास्तव में हिंदुत्व की बात करते हो आप ईमानदारी से आगे आके कहो हमारा अभियान पूरे साल भर चलेगा, छुआछूत मिटा के रहेंगे, मानवता में कलंक मिटा के रहेंगे।
तब मैं समझूंगा कि आरएसएस वाले और ये जो बीजेपी वाले हैं कड़ी जनसंघ की है ये वास्तव में हिंदू की बात करते हैं, वाला मुल्क बनाने की बात करते हैं। मुसलमानों वाला खड़ा कर देंगे, पता नहीं उसके बाद में क्या होगा। अरे मैंने कहा आप हिंदुस्तान के मुसलमान विश्वास करो, कश्मीर में 40 साल से आतंकवाद है। मैंने वहां सही स्वर्ग कहा था, आपने सुना होगा कई लोगों ने, 40 साल से आतंकवादी आए होंगे, अफगानिस्तान से आ गया, इराक से आ गया, ईरान से आ गया होगा, पाकिस्तान से आ गया होंगे, एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में नहीं पकड़ा गया है आतंकवाद के। इससे बड़ी परीक्षा क्या लोगे आप? आज आप मुसलमान को अलग कर दो, फिर लड़ाई आप पर केंद्र होगी, कुछ वर्ग के नाम पे, दलितों के नाम पे, ओबीसी के नाम पे और फिर जाति के नाम से। वैसे भी आजादी के इतिहास पढ़ोगे तो आप पाओगे आज भी देश के अंदर के राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50-60 साल पहले भी आवाज उठाई थी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग होने की। तो ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से माहौल बनाया हुआ है, कहीं तक कम है। अब मैं इतनी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, मेरी हिसाब से अच्छी बात नहीं है, मीडिया वाले बताओ क्या करें, मीडिया वालों के हाथ में है नहीं, क्योंकि मालिक लोग दबाव में है, वहाँ पहुँच जाएगी ईडी, पहुँच जाएगी इनकम टैक्स, पहुँच जाएगा सीबीआई, पहुँच जाएगी। अगर धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पहुँच सकती है इनकम टैक्स, राजीव अरोड़ा बेटा इसके घर पहुँच सकती है, आप सोच सकते हो कि सरकार बदलने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो मैं कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने कहा जब उन्हें प्रोग्राम बनाया, अब आप सुन लेना, गांधी अतीत नहीं गांधी भविष्य, दुनिया लोहा मान रही है। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी ने बकायदा कॉन्फ्रेंस की, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की सत्याग्रह के आधार पर संसद संघ में प्रस्ताव पास हुआ, विदेश मंत्री थे आनंद शर्मा को भेजा गया कमीश करने के लिए। गर्व होना चाहिए कि पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया के जो मुल्क है उन सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया वहां पर, पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। आप सोच सकते हो कि महात्मा गांधी आज हमारे नहीं पूरी दुनिया के हैं, जिनके लिए आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा था आने वाली पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा गांधी नाम का कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पे कोई चला भी है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप लोग से पधारे। और जब मैं सुबह आया तो मुझे चर्चा चली थी कोई सरकार और संगठन मिलकर नागरिक समिति मिलकर प्रोग्राम कर रही है, हमारे अधिकारी भी आए, मंत्री लोग भी आए और मुझे करते हुए तक मैं झंडी बता दूँ वहाँ पर, आप सबका जोश देकर के मुझे भी होता है। मैं पूरा आग्रह चला हूँ मदन, और मुझे खुशी है कि जो जज्बा जो जोश जो खरोश आप सबने हैं, हम गांधी के संदेश को हम लोग और प्रोग्राम करेंगे साल भर 2 साल तक 2.5 साल तक लगातार चलते जाएंगे। गांधी जी का यहाँ पर बन रहा है स्मशान बन रहा है बहुत बड़ा, वहाँ म्यूजियम भी होगा, लाइब्रेरी होगी, वाचालय भी होगा और एक्टिविटी चलती जाएगी हमेशा के लिए। मैं चाहता हूँ राजस्थान की धरती यहाँ पर फ्रीडम फाइटर एक से एक बच्चे हो गए थे, चाहे वो शेर राजस्थान राजस्थान जोधपुर के शेर राजस्थान जैना व्यास हो, चाहे उदयपुर के मणिकर वर्मा हो, अभिनारी हो कोटा के, हेरा शास्त्री हो जयपुर के, राजनारायण जी हो भरतपुर के, रामनारायण चौधरी जी और सब ब्रदर्स थे इनके नवज्योति के जो मालिक हैं, इनके 3-4 भाई थे सभी, हाँ चलो हाँ मिश्र जी बहुत बड़ा नाम था, मैं उनके दर्शन भी किए हूँ, मेरे ये तभी इनको मैंने कंट्रोल कर रखा वरना अभी ये खड़े होकर के कविता पा रहे तो ये जो है
ऐसे ऐसे फ्रीड फाइटर हुए हैं अपने राजस्थान में, लंबी फहरिस्त है। भारत बंधु क्या नाम मिला है, एक से बढ़कर के लोगों ने भाग लिया है, भयंकर रग रग के अंदर, जैसे शहीद हमारे राजस्थान के पूरे देश दुनिया के अंदर माने जाते हैं, शेखावटी के हो चाहे वो कोई जिले के हो, देश की रक्षा करने के लिए सब कुछ कुर्बान करने तैयार रहते हैं। उसी प्रकार आजादी जंग में जब राजा महाराजाओं का साम्राज्य शासन था, अंग्रेजों के राज थे, उस वक्त में एक एक जिले के लोगों ने, क्या बूंदी जैसे छोटा जिला भी क्यों नहीं हो, अलवर से भी, सब जगह से फ्रीडम फाइटर निकले हैं। हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान पर। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे, आप सबके आशीर्वाद से। मैं आप सबका फिर चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप भी आगे जाके बात को फैलाएं। कल हमने निर्णय किया है वो सर्वोदय परीक्षा का, करीब 1,00,000 बच्चे बैठेंगे उस परीक्षा के अंदर, 1,00,000 बच्चे बैठेंगे, और इसको हम लोग चाहेंगे परमानेंट। चेहरा 50 साल ही ज्यादा है सर्वोदय परीक्षा का, मैंने भी 50 साल पहले बचपन में मैंने वो परीक्षा दी हुई है। वो हम चाहते हैं बच्चों के अंदर बचपन से संस्कार पैदा हो, स्कूल के पाठ्यक्रम में भी गांधी जी का चित्रण आएगा, और ढंग से हम चाहेंगे कि नई पीढ़ी को, सबसे बड़ी चिंता है कि अगर नई पीढ़ी ने फ्रीडम मूवमेंट में जो त्याग बलिदान हुए हैं, पंडित जैन जैसे लोग 10-10 साल के जिलों में बंदे 10 साल किसे करते, गांधी जी कितनी बार जेल गए हैं, कैसे कहते जिनको हम जानते नहीं है, ज्ञात अज्ञात, अज्ञात तो कितने थे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, उनको पर नहीं जानते, पर हमारे दिल के अंदर दिमाग के अंदर उनके प्रति वो सजा है, उनको हम जानते हैं, उनके लिए सबका बड़ा योगदान था। तो मैं आपको ये निवेदन करूँगा कि हमें प्रोग्रामों में भाग लेना है, तैयारी करनी है सबको, आने वाले वक्त में राजस्थान में कम से कम अपने जिम्मे राजस्थान से निभाएं, पूरे देश के अंदर प्रोग्राम चलेंगे, कांग्रेस के भी चलेंगे, पर हम कम से कम राजस्थान में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, संस्कारवान बनाएं, गांधी जी के विचारों के नजदीक लाएं, फिर जो मूवमेंट किया था वो बताएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी आगे पीढ़ी को बता सके। यही बात करता हूँ मैं आपका, बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। अभी देखिए राष्ट्रगीत होगा, मेहरबानी करके अनुशासन बनाए रखे, सभी लोग यहाँ रहेंगे। विभूति जी राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, मेहरबानी करके सब शांत हो जाएं, एकदम शांत शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कह लो संघर्ष करो।